हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज है 15 मई और 15 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बन गए हैं? जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं वो हैं रमेश पवार जी। फ्रेंड्स, BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, BCCI की यहाँ बात की गई तो BCCI क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारत में क्रिकेट मैच जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है, और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जिसे हिंदी में कहा जाता है। और BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है एवं अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं, सचिव जय शाह जी हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप जीती है? 2020-21 की फुटबॉल प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप जो जीती है मैनचेस्टर सिटी ने, और मैनचेस्टर सिटी ने लीडेस्टर सिटी को हराकर 2020-21 की फुटबॉल प्रीमियर लीग चैम्पियंस खिताब जीती है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं फीफा की। जो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल होते हैं उन्हें फीफा ही रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, और अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फ्रेंड्स, फुटबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज की जान लेते हैं। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड से हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा करता है, और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, BC रॉयल ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप या संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और IFA शील्ड, सुब्रत मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है? तो जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत ने प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, रेमिटेंस को मतलब होता है धन प्रेषण। जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक या डाकघर या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले 2020 में कुल 83 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत को प्राप्त होने वाले कुल रेमिटेंस में मात्र 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है। और भारत को प्राप्त होने वाली रेमिटेंस सेज में गिरावट का प्रमुख कारण संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस में कमी आई है 17% की। वर्ष 2020 में रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर रहा, और भारत और चीन के बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें विश्व वर्ल्ड बैंक की, तो विश्व वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना 1944 में जुलाई 1944 में हुई थी। उसका मुख्यालय Washington DC में, और अध्यक्ष डेविड मालपास जी, MD एंड CEO अंशुला कांत जी हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने COVID-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो जो COVID-19 के मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया गया है वो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने शुरू किया है। और मिशन हौसला अभियान का उद्देश्य जो है, झारखंड पुलिस इस अभियान के तहत COVID-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा और राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध करा रही है। फ्रेंड्स, यह बात की गई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंड है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी, एवं उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, लास कसताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील एवं द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झील हैं। उत्तराखंड के अगर हम लोग नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट या हेजली नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, यह उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिट्स को नियुक्त किया गया। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन ग्रिप्स को संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख नियुक्त किया गया है। मार्टिन ग्रिप्स और मार्क लो अकोक की जगह लेंगे। फ्रेंड्स, यूएनए से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली नॉर्वे से जो थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 2021 के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश हैं 193 और 193 वा देश है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में B.1.617 चर्चा में है, बताइए यह क्या है? तो ये जो B.1.617 है ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है और WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के B.1.617 संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कॉरेंस चिंताजनक के रूप में घोषित किया गया है। WHO के अनुसार कोरोना का B.1.617 संस्करण बेहद खतरनाक होगा और यह संस्करण भारत में तीसरी वेव का कारण भी हो सकता है। फ्रेंड्स, यह बात की गई है WHO की। WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अध्यक्ष टेड्रोस एडरेनोम है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो शॉटगन 2021 का आयोजन इटली में किया जाएगा। फ्रेंड्स, शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन इटली के लियोनाटो में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, विश्व में जितने भी शूटिंग के खेल होते हैं उसे ISSF रेगुलेट करता है, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिच में है एवं अध्यक्ष व्लादिमीर लिसिन जी हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह
2021 की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो जो पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की अध्यक्षता की है 2021 की, वो भारत देश ने की है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह बैठक वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव अपूर्व चंद्र ने की है। शामिल सदस्य इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी ब्रिक्स देश, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के सदस्य शामिल हुए हैं। इस बैठक के उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो इस बैठक में सदस्य देशों ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देने, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी, श्रम बाजारों की औपचारिककरण के बारे में चर्चा की है। फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई है ब्रिक्स की, तो हम लोग ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई में स्थित है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में रूस के ये कार्तिन बर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन का 12वां संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस ने की थी। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या जो है दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एस बालचंद्रन को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो एस बालचंद्रन है इन्हें सूरीनाम देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और सूरीनाम की राजधानी परमा रिबो है। सूरीनाम की करेंसी सूरीनाम डॉलर है और सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को के रघु थमन जी द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, अब हमें इन क्वेश्चनों के जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं वो हैं रमेश पोवार जी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था, क्रिस टीम ने 2021 में फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है मैनचेस्टर सिटी ने। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज किस देश ने प्राप्त किया? तो ये भारत ने प्राप्त किया है। और किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 के मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान को शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफिट्स को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में V1.617 चर्चा में आया है, यह क्या है? तो यह कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। और शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? इटली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो जो पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की अध्यक्षता की है तो ये भारत ने की है। अगला क्वेश्चन है, एस बालचंद्रन को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सूरीनाम में। और कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये के रंगो थमन द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स, ये थी आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। कैसे लगे मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।